सबसे बड़ा आध्यात्मिक प्रयोग अश्वमेध महायज्ञ का है। अश्व कहते हैं राष्ट्र को, वेद कहते हैं उत्थान को। राष्ट्र का उत्थान हम भौतिक प्रगति के रूप में, वैज्ञानिक प्रगति के रूप में तो देख रहे हैं। मेडिकल सेंटर है यहाँ पे, आप ऑर्गन डोनेशन भी कर सकते हो, ब्लड भी दे सकते हो। अच्छा, ये सब अलग अलग वो देख रहे हो? हाँ, ये सब वहाँ पे देखो, हवन कुंड बने हुए हैं तो उधर उधर। हाँ, वहाँ से कल से हवन स्टार्ट होगा। चलो 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 चलो, ये एंट्री है ग्राउंड की जहाँ पे अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया है। बहुत ही भव्य आयोजन, बहुत ही ग्रैंड स्केल पे है। अभी हम एंट्री पे ही हैं। ये एंट्री गेट है। अखिल विश्व गायत्री परिवार, ये है मेन गेट, यहीं से एंट्री हो रही है। भैया आ रहा है। लाइन लगी है एंट्री की, यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाना होगा। ये ऐसे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बने हुए हैं, जब एंट्री लेंगे उसके बाद ऐसे रजिस्ट्रेशन काउंटर। हाँ, महाराष्ट्र का राज्य गीत भी हम लोग
गायन करेंगे, उसके पश्चात गणमान्य अतिथिगण दीप प्रज्वलन गुरु पूजन कार्यक्रम संपन्न करेंगे। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत होगा और अतिथियों के स्वागत के पश्चात विशेष कला ने अपने सिर पर देवत्व का प्रतीक सिर पर धारण किया और मुंबई क्षेत्र में एक अश्वेत कट्टर धनी से सूचना की आप स्वागत बेला में और जोर से तालियां बजाएं और इस कार्यक्रम का आप राष्ट्रगान संपन्न होगा। उसके बाद में आरती का क्रम हम लोग चांद बेला में 108 थालियों में यहाँ पर आरती का क्रम संपन्न होगा। माता बहने बड़े श्रद्धा पूर्वक हजारों हजार करोड़ देवताओं का गाना पूजन आरती के क्रम में संपन्न करेंगे। ये सारा कार्यक्रम होगा, इसमें आप अपने प्रार्थना है कि आप सभी माताएं बहने भाई बालक बालिकाएं आपको शाम की शांत विराम सुनने को मिलेगा। ये है मेन कलश अलग जगाती जन जन को देव शक्तियों का आमंत्रण देती हुई भ्रमण करती हुई पावन यज्ञशाला में पहुंच चुकी है। जिस दिव्य कलश जिस देव कलश के दर्शन की आशा हमें वर्षों से लगी हुई थी, आज उसका दर्शन करके कलश यात्रा के भागीदार बनकर सभी प्रसन्न हैं, गदगद हैं, भाव विभोर हैं, सभी के नयन तृप्त हैं। आइए अपने सौभाग्य को सराहें उद्गाता कहनों द्वारा देव कलश की प्रेरणा भरी गीत को श्रवण करें। देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, दिव्य भूमि नयन किए दर्श तुम्हारे, दिव्य भूमि नयन किए दर्श तुम्हारे, देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे। भोजनालय का पूड़ी है, हलवा है, कढ़ी है, सब्जी है, रोटी है और पूड़ी है। सब भोजनालय में बैठते हैं, ऐसे चार भोजनालय बनाए गए। Yeah.